मेरे दिमाग में एक चीज घूम रहा है कि मोहित राय चैनी मार्टिना के साथ मतलब के लिए था, ठीक है। थैंक यू सो मच। बताऊं मैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मेरी और मोहित की बिल्कुल भी नहीं बन रही है, हम लोग जब भी मिलते हैं हमारा झगड़ा हो जा रहा है, तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गई हूँ इन सब चीज़ों से। मतलब उसे कॉल भी कर रही हूँ, मेरे कॉल का भी रिस्पांस नहीं दे रहा है, पता नहीं उसे क्या बुरा लग गया, बट मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मतलब मेरे अच्छे टाइम पे, बुरे टाइम पे, हर टाइम पे मोहित था मेरे साथ, और अभी नहीं है तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वो अपने ईगो में है तो उसे रहने, तो मैं ही अपने तरफ से ट्राई करती हूँ, ठीक है। बहुत तेज़ बन रहा है गाइस वो, उसे तो मैं बाद में बताऊँगी, खैर कोई नहीं। तो अभी वो मेरा तो फ़ोन वो रिसीव कर नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि पड़म तुम उसे फ़ोन करके यहाँ पे लोकेशन करके बुला लो, मतलब इस लोकेशन पे बुला लो, उसे बोलना कि कुछ भी एडिटिंग का काम है जो भी है। तो अब देखते गाइस वो आता है नहीं, अगर आएगा तो वीडियो कंटिन्यू करते, नहीं तो फिर क्या बोलूँ मैं, क्या लगता है पड़म आएगा वो? हाँ वो तो बोले कि हम आ रहे हैं। पक्का? हाँ पक्का। तो गाइस देखते हम लोग उसका वेट करते हैं। आपका नाम नहीं लिया उस टाइम? हाँ नाम मत लेना। One hour later. गाइस मोहित आ चुका है और मैं यहीं पे छुप गई हूँ, क्योंकि शायद वो मुझे देखता तो वो चला जाता यहाँ से। मुझे डर भी लग रहा है मैं आगे जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मैंने माउंटेन ड्यू पी रखा है बहुत सारा, डर के आगे जीत है। आज मोहित रॉय को उसकी औकात दिखानी है, ठीक है गाइस। मजाक कर रही हूँ। लेकिन बहुत तेज़ बन रहा है गाइस वो। पड़म सब सेट है ना? ठीक है, क्या वो कॉल कर रहा है क्या तुम्हें? ठीक है ठीक है, मत उठाओ। हाय मोहित। कैसे हो? अच्छा तो आप बुलाए? क्यों मेरे से मिलने नहीं आ सकते हो क्या? जरूर। क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है बताओ? ये तो आप बताओगे ना क्या प्रॉब्लम है। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी किया तुमने स्टार्ट किया, ठीक है, और मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। मैंने काफी बातों के बीच छोड़कर आप गई थी, अगर बात करना आप चाहती ना तो वहाँ पे बात आप एंड नहीं करते, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई लड़का, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी रिलेशन, मतलब कोई आपको हद से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप ऐसे करोगे, ट्रीट करोगे किसी को ना, तो मुझे अगर फील होता है कि मोहित फीलिंग्स की बात तुम ना अच्छा, फीलिंग्स की बात नहीं कर रहा। अरे काफी बिजी हो तुम, फोन उठा रहे हो। बिजी मैंने हूं, मुझे जिसने बुलाया था मैं उसे कॉल कर रहा था, ठीक है। किसने बुलाया था तुम्हें? मैंने बोला था उसे बुलाने के लिए, ठीक है। अब तुम मेरे से बात कर लो। एक बात बताओ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इतने मैसेज किए व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, इसीलिए क्या कि फिर से आप का फोन उठा, आपसे बात करने आऊँ, फिर आप उस जगह पे मुझे इस तरह से बोलो, लड़ाई करो। यार मैं आपको समझाता हूँ, आपसे कुछ नहीं बात करता, आप डिस्कस किससे करोगे? मुझसे करोगे ना? मैं लड़ती हूँ, तुम क्या करते हो? तुमने बात स्टार्ट की थी, तुमने कहा था कि तुम मतलब के लिए मेरे साथ हो, समझे? मैं कुछ नहीं, वो सुनना है ना तो आप सुनिए, मेरा सरप्राइज प्लानिंग था, ठीक है। मैं आपको गुस्सा दिला कुछ प्लानिंग मैंने किया था, ठीक है, बट आपने हर एक चीज को तोड़ के रख दिया वहाँ पे। ऐसे कौन प्लानिंग करता है मोहित? और आपको पता था ना वहाँ पे जब ब्लॉगिंग शूट हो रहा था तो ब्लॉग शूट नहीं हो रहा था, वो वीडियो ही शूट हो रहा था, ठीक है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ना, तभी तो मुझे गुस्सा आया। मैं हमेशा ऐसे तो तुम्हारे साथ गुस्सा आपको ऐसा कभी नहीं आता जानी, अब आ रहा है आपको गुस्सा, तुम्हारी हरकतें अब आपको गुस्सा आ रहा है, आपको पहले गुस्सा इतना नहीं आता, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हो गई हैं। अच्छा मेरी हरकतें हो गई, लीजिए आपको भी कॉल आ रहा है, रहने दो।
इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो मोहित, मैंने तुम्हें सब कुछ शॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया है, ठीक है? तो मेरे क्या शॉर्ट आउट करना है? क्या शॉर्ट आउट करना है? तो देखो यार, जो भी था सब कुछ भूल के फिर से स्टार्ट करते। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, आप लोग अच्छे दोस्तों साथ कमेंट आते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे आपके चैनल से ज्यादा मैं वीडियोज हैं आपके, ठीक है यार? मुझे भी मन करता है, मैं भी आपसे बात करने की चाहत रखता हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से बिहेव करके ना, आप जिस तरीके से ट्रीट की ना यार, तो तुमने भी तो किया, लेकिन मैं सब कुछ भूलने को रेडी हूँ ना, तो तुम यहाँ पे क्या ये बोल रहे हो? मैं सब कुछ भूलने के लिए फिर से स्टार्ट करने को रेडी हूँ ना, बाद में फिर से वही करने के लिए क्या? मैं वो नहीं करती हूँ, तुम करते हो, ठीक है? तुम्हारी सारी गलती है। वो कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कुछ बोलना है आपको? तुमको कुछ कहना है? यानी आप छोड़िए कुछ बोलने के लिए। एक्चुअली मैं शादी में चला गया था, ठीक है? और मेरी बहन का शादी था यार, मुझे नहीं मतलब है इन सब चीजों से। यही बात है जानी ना, कि आपको मतलब नहीं है। सुनिए सुनिए, आपको मेरे किसी चीज से मतलब नहीं होता। लड़कियों का पति सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मेरी सब कुछ सुनो, वो आपकी कुछ नहीं सुनती। क्यों बताइएगा? मैं आपकी सब कुछ सुनूं? क्या किया था? आपकी प्रॉब्लम मेरे लिए प्रॉब्लम है। तुमने उस दिन क्या किया था मेरे साथ? क्या किया था? तुम हमेशा तुम ऐसे ही करते हो, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या? तुमने शुरुआत किया था सबसे स्टार्टिंग से, तब से हमारा बॉन्ड खराब हुआ, जब से मैंने तुम्हारे ऊपर एक्सीडेंट वाला प्रैंक किया ना, उसके बाद। मैं बता रहा हूं, सुनिए ना, बॉन्ड कभी खराब नहीं हुआ, ठीक है? मैं आपको उस दिन पिक करने आया था शुदान पे, मैं आपको नहीं, मैं अपनी फ्रेंडशिप नहीं खराब करना चाहता हूँ, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, ठीक है? लेकिन आप सुनिए सुनिए, हंसी आती है आपको? मैं भी सोचता हूँ ना कि लड़की का पता है, जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है कि लड़की के लिए 24 आवर अवेलेबल रहो 24 आवर, लेकिन कटता उसी का है, ठीक है? तुम पता नहीं क्या पता है, तुमसे ना बात करना बेकार है। रियलिटी है, मैंने मतलब आप प्लीज पूछना, लड़की है जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बात करना बेकार है, मतलब बात करना बेकार है। मैं कह रही हूं ना, मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें यहां पे बुलाया शॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है? अच्छा, ये बताओ ना, चलो ठीक है, शॉर्ट आउट इस तरीके से करोगे? आप शॉर्ट आउट इस तरीके से करोगे? चलो, बात चाहे कुछ भी थी, ठीक है, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आपको पता था मैं शादी में गया हूं? शादी में गए हो? वन चेक माय इंस्टाग्राम, ठीक है? मैं शादी में गया था, आपको सारा अपडेट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? यार तुमने एक बार मेरे से पूछा भी, ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे तो तुम बिजी नहीं होते ना, शादी में गए थे या तुम्हारी खुद की शादी थी? अच्छा, फिर भी इंसान इतना बिजी नहीं होता, इंसान का खुद का भी शादी रहता तो। मेरे पास फोन नहीं था, ठीक है? अगर आपको एक नंबर तो तुम्हारा हमेशा ऑफ ही आता है, ये आईफोन तो तुम्हारा हमेशा ऑफ ही रहता है। मैं आपको यानी हमेशा प्रूव कर रहा हूं, ठीक है? कितना प्रूव करूं यार आपको? हां, कभी आपने कोशिश किया मुझे समझने की? कभी आपने सोचा सिर्फ आपकी प्रॉब्लम आपके लिए सब कुछ है, आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ के आऊँ? अगर मैं कभी तो काम में चले जाऊँ, क्यों डाली फिर? कभी देखो, अगर उस टाइम पे सब लोग क्या कमेंट कर रहे, सब लोग देख रहे ना कि मोहित जैनी के बीच क्या चल रहा है, क्यों तुमने दिखाया? जैनी मेरा सरप्राइज प्लान था, मैं वो बस वो लड़ाई के बाद कुछ अच्छा था यार, मैं यहाँ आने के बाद आपसे बात करने वाला था, मैं कुछ सोच के करता हूँ, यानी कुछ अच्छे तरीके से करता हूँ। आपको क्या लगता है कि आपको आप सेट रहते हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है? तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हो, ठीक है? मैं तुम्हारा सारे स्टेटस देखती हूँ। मैं खुश रहता हूँ ना, कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कैसे समझूं मैं? और अभी भी पहले स्टार्टिंग किसने की बात करने की, किसने की? मैंने तुम्हें बुलाया, मैं प्लान कर रहा था, कुछ प्लान कर रहे थे, तुम पिछला प्लान जो मेरा प्लानिंग पूरा खराब हो गया था, इसलिए मैं कुछ अच्छा प्लान कर रहा था। तुम ना मोहित हमेशा बस एक्सक्यूज देते हो मेरे को, ठीक है? एक्सक्यूज आपको कितना समझाऊंगा, कितना एक्सप्लेन करो खुद को, बताओ आप। मत करो ना, कौन कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, मत करो। आप कह रहे हो ना, मैं नहीं कह रही। मैं देखो आप, मैं आपसे लड़ाई करना नहीं चाहता, ठीक है? तुम कर चुके हो, क्या ऑलरेडी बात बिगड़ चुकी है? क्या बात बिगड़ी है आप बताओ? सब बिगड़ चुका है। क्या बिगड़ी है? तुमको यही नहीं तो प्रॉब्लम है आपकी, यही प्रॉब्लम है आपकी, यही प्रॉब्लम है। जितना इंसान उस चीज को कंट्रोल करना चाहता है ना, उतना आप मतलब अगर बालू को अच्छे से बोलो यार, जितना मैं चाह रहा हूँ अच्छा करना, उतना आप चार तुम अच्छा करना चाह रहे हो। अभी भी मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही थी, मैंने हंस के तुमसे बात कर स्टार्ट किया, तुमने पुरानी बातों को लाया बीच में, ठीक है?
मैंने कहा जो है सब खत्म करो। इतना आसान नहीं होता जैसे बोलना ना, मैं चाह रहा हूँ उस चीज को मैं दबा के नहीं रखूँ, उस चीज को मैं निकाल दूँ, भूल जाऊँ उस चीज को। तो भूलो ना, क्या प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? आपने कुछ नहीं किया ना। तो फिर बस इतना बोलना चाहिए, जब बात करते हैं ना, अगर आप अभी मुझसे बात कर रहे हो और मैं तुमको छोड़ के चला जाता हूँ ना इस बीच में, तो कैसा फील होता है आपको पता नहीं है? तो तुम उस दिन बहुत बकवास कर रहे थे। क्या मैं बकवास कर रहा था? कर रहे आप बोल रहे थे वो अच्छा था, मैं कर रहा था वो बकवास हो गया। मैं कुछ तुमने स्टार्ट किया था। आप बोल रहे थे वो सही था, मैं बोल रहा था बकवास। मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ, ठीक है? आप खुश रहते हो ना, रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है बताइए ना मुझे। तुम्हारी गलती है सारी की सारी, और हमेशा सारी गलती मेरी हमेशा होती है जानी, क्योंकि आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हो। तुम कौन सा कर रहे हो? अच्छा देखिए जानी, लड़कियों का रूल ही होता है कि लड़कियां अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करती। आप भी एक लड़की ही हो, ठीक है? तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यार मेरे को समझ में आ गया कि कुछ नहीं हो सकता हमारा, ठीक है? तुम ना आपको बहुत लेट समझ में आया, क्योंकि मैं अपनी जगह पे सही हूं और तुम गलत हो, लेकिन फिर तुमको लग रहा है कि तुम अपनी जगह पे सही हो। मैं क्या गलत हूं, मैं क्या गलत हूं बताओ? तुम्हारी सारी क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है? बहुत तेज समझ रहे हो ना खुद को। क्या समझ रहा हूं तेज? एक बात बताऊं मोहित, अगर अभी मैं तुमको, तुम उस दिन मेरे को क्यों गुस्सा आया जब तुमने कहा कि तुम मेरे को यूज कर रहे हो, ठीक है? उस बात पे मेरे को गुस्सा आया था। मैंने कहा कि अगर वैसा मैं भी करूं तो क्या होगा? तो तुम यार, तुम इससे तो वही कहते ना, जले एक सेकंड वही कहेंगे ना, जले पे नमक छिड़कना। अगर मैंने कहा कि आप अभी तक नहीं समझो, मैंने क्या बोला था कि आप समझ नहीं रहे हो, आप अगर मैं भी ऐसा करता हूँ तो क्या होगा? ये मैंने तो वही कहेंगे ना, जले पे नमक प्लानिंग होता है ना यार, पहले गुस्से दिलाने के मैंने कुछ सोचा हुआ था ना यार, सही है। हर एक चीज नॉर्मल ले जाना नहीं होता है ना। तुम अब पलट रहे हो, ठीक है? मैं पलट रहा हूँ, हमेशा मैं पलट जाता हूँ, क्योंकि आपको, आप कभी समझते नहीं हो ना। आपको समझना ही नहीं तो फिर ठीक है ना यार। हाँ मुझे नहीं समझता है, ठीक है? और मेरे से गलती हुई। चलो, बहुत फोन भी आ रहा है तुम्हारा, तुम्हारे चाहने वालों का, ठीक है? मेरे चाहने वालों, मेरे चाहने वालों, बिल्कुल। एक फोन बज गया, आपका फोन हमेशा बजते रहता है तो वो ठीक है, मेरा एक फोन बज जाता है तो मेरे चाहने वालों का फोन आ रहा है, बिल्कुल। अब यार जो, अब तो मैं तो इम्पोर्टेंट रही नहीं ना तुम्हारे लिए, जो लोग हैं उनका फोन आ रहा है, अगर साथ तुम अवेलेबल रहते हो। एक सेकंड, अगर बातों से डिस्क्राइब किया जाए ना कि आप कितने इम्पोर्टेंट, तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है? अगर आपको नहीं फील होता, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ठीक है, मैं गलत हूँ, और कुछ? हाँ हो, तुम गलत हमेशा मैं बातों से। चलो ठीक है, फोन आ रहा है, तुम बहुत बिजी हो, बड़े लोग हो, ठीक है? जैनी तुम्हारे सामने मैं क्या ही हूँ यार, कुछ भी नहीं हूँ, पता है? मैटर नहीं करता है कौन करता है, कौन इंसान आपको कितना वैल्यू देता है ना, वो मैटर करता है, ठीक है? और मुझे पता है लोग क्या बोलते, कौन क्या बोलते हैं, किसी से मैटर नहीं करता है। आप क्या बोलते हो ना, आप क्या सोचते हो ना, वो फील करता हूँ मैं। आपके लिए अगर कोई कुछ प्लान करे, आपको आपके लिए सोचे, और आप उस जगह पर उसको अकेला छोड़ के चले जाते हो, तो कैसा फील होता है, आप नहीं सोच सकते हो। तो तुम मुझे फोन करके भी बता सकते हो ना कि तुम्हारा कुछ प्लानिंग है, तो मुझे कुछ बता ही दिया गया तो सरप्राइज बता के दिया जाता है ना। Wow. सरप्राइज ऐसे दिया जाता है क्या? पहले एकदम थोड़ा गलत बोल दो सामने वाले को, फिर बोलो कि सरप्राइज, अरे जाओ यार, तुम्हारा सरप्राइज बता के दिया, राइट? सरप्राइज बता के, हाँ बता दो फिर, सरप्राइज बता। चलो मोहित, मेरे को समझ में आ गया, ठीक है? तो कुछ भी तो यानी मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपसे सब कुछ पूछ लेता हूँ कि यानी क्या कैसे करते हैं, ठीक है? आप मुझे बताना कि कैसे सरप्राइज प्लान करूँ, फिर कैसे बात करूँ, फिर सरप्राइज कैसे करते हैं, ठीक है? मोहित तुम वो सही रहेगा, एक सेकंड, तुम सही रहेगा, एक सेकंड, तुमने मेरे बर्थडे के टाइम भी तुम लोग सब मिल के मेरे सरप्राइज प्लान किया था, उस टाइम तो मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उस समय यानी क्या उस समय? अब बोलो, कुछ है बोलने के लिए तुम्हारे पास? तो यार हर बार तरीका एक ही रखना चाहिए था क्या? उस समय मैं आपके साथ नहीं था, मैं इन में मिला था पूरा दिन, वो थोड़ा बड़ा प्लान था, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? बस तुम बहाना बना सकते हो, ठीक है? हाँ सही बोल रहे हो आप, मैं जिंदगी भर बहाना बनाता हूँ, ठीक है? वही बोल रहे ना कि जो जिसके लिए जितना सोचता है, जितना करता है ना, वही इंसान तुम मेरे लिए कुछ भी सोचते हो, बस मेरे को इतना पता चल गया, तुम मेरे को इतना पता चल गया। बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग मेरे साथ बस मतलब के लिए, तुम मेरे दिमाग में बस एक चीज घूम रहा है कि मोहित राय चैनी मार्टिना के साथ बस मतलब के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड
मुझे कुछ नहीं बोलना है, एक ही बात बोलूँगा कि जो जिसके बारे में जितना सोचता है ना वो उसे उतना हर्ट करता है, ठीक है। हाँ जानी, अगर आपको लगता है ना, आज एक बात सुन लो आप, मैंने आज तक ना कभी आपके साथ प्रॉफिट मैंने कभी देखा नहीं था कभी भी, ठीक है। कभी भी अगर कोई बोल दे ना कि आज तक मैंने अगर कोई मतलब के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मिल रहा हूँ, कुछ भी प्रॉफिट, तो आप जो बोलोगे ना मैं हारने को तैयार हूँ, ठीक है। और ये बात जो बात है ना जानी, इसके लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच, मुझे कुछ कोई बात नहीं करनी, एंड क्यों बात नहीं करनी, मुझे कॉल मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है ना मतलब के लिए था मैं, हाँ थे तो मतलब के लिए भी मैं बोलूंगी, लोग तो बात क्यों नहीं करते, बात करो। जो जितना सोचता है जिसके बारे में ना वो उतना बेवकूफ होता है, मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, उन लोग मुझसे कॉल करते हैं, बात करता हूँ, ठीक है। मैं जिसके बारे में जितना सोच रहा हूँ, अगर सोच रहा हूँ ना तो आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो, थैंक यू सो मच, ठीक है। अरे कैमरा ऑफ करो।